नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में। और अगर आप इस बार रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन की परीक्षा देने वाले हो तो आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने चरणों में आप लोगों की परीक्षा होगी, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना प्रतिशत छूट रहेगा, OBC के लिए क्या है, ST SC के लिए क्या है, प्रथम चरण की परीक्षा में कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने मार्क्स आपको लाना है, द्वितीय चरण की परीक्षा में कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने मार्क्स आपको लाना है, और तृतीय चरण, तीनों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और फिर डिस्कस करेंगे कि प्रथम चरण में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर वाइज हम आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन की तैयारी के लिए हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कर सके, चाहे वो GK GS की हो, मैथ हो या रीजनिंग हो। तो चलिए इस वीडियो में को शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन की जो परीक्षा है वो आपको टोटल 3 चरणों में होगी, ठीक है, क्लियर समझिएगा, टोटल 3 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा जो रहेगी वो आपको 1 घंटे की परीक्षा रहेगी, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 75, ठीक है। पहले चरण की परीक्षा में 1 घंटे की होगी, कुल प्रश्नों की संख्या 75। और देखिए लिखा हुआ है नीचे, विभिन्न श्रेणियों के अंकों के न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त, यानी मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं हम, मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 40%, 75 क्वेश्चन का 40%, यानी 30 क्वेश्चन आपको सही लाना है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से कर रहे हैं तो 30 अनुसूचित जाति यानी OBC और ST के लिए 30%, और अनुसूचित जनजाति के लिए 25%। 25 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, 25% की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, दिव्यांगों के लिए, यानी जो फिज़िकल हैंडीकेपेड है, चाहे वो जनरल से बिलोंग करे, OBC या ST SC या कुछ भी, 2% की इनको छूट दी जाएगी, ठीक है, क्लियर। आपकी जो परीक्षा रहेगी कंप्यूटर, प्रथम चरण की स्क्रीनिंग ग्रुप का कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ठीक है, यानी आपकी जो परीक्षा रहेगी वो कंप्यूटराइज रहेगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी पहले चरण की परीक्षा। और इस परीक्षा में आपको क्या क्या पूछा जाएगा ये हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपको ये भी बताएंगे कि ट्रेड से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ट्रेड की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल क्या है, कहाँ से आपको ट्रेड की तैयारी करनी है। तो अगर आपको देखना है तो ये वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से ही बैक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए एकदम सब कुछ हम आपको फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाएंगे बताएंगे। तो देखिए, गणित में आपको संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ना है। बोडम्स का मतलब होता है का, के, की, दशमलव, भिन्न, LCM, HCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं, समय कार्य, समय दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक संख्याएँ, वर्गमूल, आयु की गणना, कैलेंडर, घड़ी, नल और टंकी। इन सभी के वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे आइए। नीचे देखिए हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा ब्लू कलर का, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप हमारे चैनल पे आ जाइएगा, आपको हर एक का क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आपका काम है खोजना कि आप खोजते हो या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस, 150-200 वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, तो आपको खोजना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, ठीक है, हर एक का, एक एक चैप्टर का एकदम 100% डाला गया है, ठीक है, विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम लोग आते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में देखिए आपको क्या पूछेगा, अनुरूपता, वर्ग क्रमानुसार, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, प्रतीक सिंबल वगैरह जो होता है, वेन आरेख, आंकड़ा, निर्वचन, पर्याप्तता, निष्कर्ष, निर्णय लेना, यही सब डिस्कशन वगैरह, ये सब आपको पूछे जाएंगे। तर्क, कथन कारक जो होते हैं, तर्क शक्ति, ये सब आपको पूछा जाएगा रीजनिंग में। इसके भी एक एक वीडियो हमारे ड्रीम यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया, ऐसा नहीं कि किया जाएगा। अब आते हैं सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में 10वीं कक्षा की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाएगी, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। ये देखिए, इसकी वीडियो भी फिलहाल के लिए नहीं मिलेगी, ये प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति।
अर्थशास्त्र की वीडियो मिल जाएगी, राजनीति की वीडियो मिल जाएगी और अन्य सभी विषयों की, इनकी वीडियो आपको अभी फिलहाल प्रोवाइड हम नहीं कर सकते हैं। अब आइए, पहले चरण की परीक्षा खत्म हो गई, अब हम लोग आते हैं दूसरे चरण की परीक्षा। तो देखिए, ये भी दूसरे चरण की भी परीक्षा जो है वो आपको किस पे आधारित है, ध्यान से समझिएगा। दूसरे चरण की परीक्षा जो है ये भी आपको ऑनलाइन परीक्षा होगी, और प्रथम चरण में जो टोटल जो सीट है, टोटल आपका 27,000 सीट है, प्रथम चरण की परीक्षा में टोटल सीटों का 15 गुना, यहाँ देखिए ध्यान से बताया गया है। ये जो लिंक है ये हमने ऑलरेडी एक रियल लिंक है, इसको फेक नहीं मानना है, आप इसके वेबसाइट जो होता है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाइए, ये लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अभी फ़िलहाल मिलने में आपको खोजने में टाइम लगेगा, आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो। तो देखिए टोटल जो, जैसे देखिए लिंक तो वहाँ मिल जाएगा लेकिन समझाने वाला वहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्या है कि टोटल जो प्रथम चरण की परीक्षा है उसका 15 गुना यानी 27,000 गुने 15 कीजिए, आपको लगभग में 4,00,000 यानी 4,00,000 बच्चे प्रथम चरण की परीक्षा में पास होंगे, और जो प्रथम चरण की परीक्षा में पास होंगे वही आएंगे द्वितीय चरण की परीक्षा में। और द्वितीय चरण की परीक्षा में को दो भागों में बांटा गया, एक को बांटा गया क और दूसरे भाग को बांटा गया ख। द्वितीय चरण की परीक्षा जो है वो आपको टोटल 2.5 घंटे की होगी, एक होगा आपका 1.5 घंटे का, एक होगा 1 घंटे का। 1.5 घंटे में देखिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा, पहले हम भाग क में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क और ख दो भागों में बांटा गया, हम लोग क में आते हैं। क की परीक्षा 1.5 घंटे की होगी, कुल प्रश्नों की संख्या 100, और सेम वही रूल जो पहले चरण की परीक्षा में थी, ये हम आपको मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम की नहीं। कुल प्रश्नों का 40%, कुल मार्क्स का 30, अनुसूचित जाति 25, और वही जो हम बताए थे कि दिव्यांग यानी फिजिकल हैंडीकेपेड वालों को 2% का छूट मिलेगा सभी चरण के लिए, चाहे वो एसटीएससी से बिलोंग करे, ओबीसी या जो करे, ठीक है, सभी के लिए 2% की छूट। और इतना क्लियर होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि गणित में क्या पूछा जाएगा। सेम है, देखिए अगर कुछ चेंजिंग रहेगा, मेंशुरेशन, समय, कार्य एकदम बिल्कुल सेम है, जो आपका पहले चरण की परीक्षा में पूछी जाएगी वही आपको दूसरे चरण की परीक्षा में पूछी जाएगी। और यहाँ भी बिल्कुल सेम है, रीजनिंग भी आपका बिल्कुल सेम है, थोड़ा मोड़ा अगर अंतर है तो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ जो है बहुत चेंज है, ठीक है, ये चीज़ आप समझो। इसके तहत शामिल किए जाने वाले विषयों में इंजीनियरिंग आरेख, दृश्य आरेख, इंस्ट्रूमेंट रेखाएँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, प्रतिक्रमक प्रस्तुति, व्यवसायिक रसर्स, यूनिट माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति, वेग, ऊष्मा, तापमान, मौलिक विद्युत, लीवर्स और साधारण मशीनें, व्यावसायिक संरचन और स्वास्थ्य, पर्यावरण, आईटी संरचन इत्यादि। देखिए यहाँ पे बहुत चेंजिंग आपको लगा, राइट। और अगर आप चाहते हो कि इन सभी की वीडियोज़ ड्रीम क्लासेस द्वारा बनाई जाए, इन सभी की, ऐसा नहीं एक टॉपिक का बात करें, इन सभी की वीडियोज़ अगर आप चाहते हो कि ड्रीम क्लासेस द्वारा बनाया जाए, कुछ कुछ वीडियो मिलेगी लेकिन बहुत ऐसी वीडियो जो नहीं मिल पाएगी आपको, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा। प्रॉमिस करते हैं अगर आपका कमेंट आएगा तो हम इस टाइप की वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए, वो भी आपके एग्जाम्स के, मतलब जब आप कमेंट कीजिएगा उसके कुछ दिनों बाद हम अपलोड कर देंगे। तो ये द्वितीय चरण की परीक्षा खत्म हो गई, अब हम लोग आते हैं तृतीय चरण की परीक्षा। देखिएगा ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। और तृतीय चरण की परीक्षा में, अच्छा एक चीज़ और आपको बताना भूल गए थे, ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी इकोनॉमिक्स, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे, ठीक है, आपको बस ढूंढना है। जब हम बोल दिए कि मिल जाएगी तो मिल जाएगी, बस अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने देर में खोजते हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट एक बना हुआ होगा ऊपर में, ठीक है। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me.
meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth.